अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सीरज और आप देख रहे हैं इंडियन हाईटेक कम्युनिकेशन। आज की वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सार्क क्या चीज़ है और उसका जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा, सार्क एक जो ना एक इदारा है और एक जो ना बहुत अच्छा इदारा है, मेरे को भी बहुत पसंद है। और ये आपको मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका ए टू जेड मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसका जो ना होता है, क्या है इसका, मैं सारा कुछ आपको इसको डिस्क्राइब करके आऊँगा, आपको सारा कुछ समझाऊंगा कि कब बना, कौन सा देश इसमें कब जुड़ा, कौन सा कब जुड़ा और कौन कौन से देश अभी भी इसमें हैं और क्या इसका काम है, ये सारा कुछ आपको मैं इंग्लिश में आपको अभी बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इंग्लिश में बताऊंगा, लेकिन आप जो भी इंग्लिश समझ रहा है तो वो समझ लेगा। तो मैं अपने बुक से सुनाऊंगा तो बुक्स में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होंगी या फिर मेरे से मिस्टेक हो जाए इंग्लिश अल्फ़ाबेट कुछ पढ़ने में या फिर कोई लेटर पढ़ने में मिस्टेक हो जाए तो वो उसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो बड़े लेवल का। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर अभी सब्सक्राइब कर लिया, लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइज यहाँ पर मैं अपना बुक लेके आ चुका हूँ। यहाँ पर ये सोशल स्टडी का बुक है, क्लास 5 का है और 6 का है, क्लास 6 यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं क्लास 6 का है। तो अभी मैं इसको जो ना ओपन करके आपको दिखाता हूँ और मैं पढ़ता हूँ और आप सुनिएगा। तो यहाँ पर पहले पहले लिखा है यूनिट नंबर 5, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 5 और यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको अभी पढ़ के सुना रहा हूँ। यूनिट नंबर 5 सार्क वी लाइव इन एशिया गेस्ट। मेरे जो ना अभी जो ना आंखों में यहाँ मोबाइल की फ्लैश लगी ना तो इसलिए अभी जो ना यहाँ पर वर्ल्ड जो ना ब्लैक हो रहा है तो इसलिए मेरे को नजर नहीं आ रहा, मैं जूम कर रहा हूँ तो नजर आ रहा है तो इसलिए थोड़ा सॉरी। कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, देर आर मेनी कंट्रीज इन एशिया, पाकिस्तान 6 अदर कंट्रीज आर पार्ट ऑफ साउथ एशिया, 7 कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया फ्रॉम एन एक्सीडेंट का सार्क इन, ये बता रहे सार्क कब बना, 1985 में ये सार्क बना है 1985 में। और इसको जो ना साउथ एशिया की जो ना फुल डेफिनेशन है सार्क की, सार्क में जो ना आपको फुल डेफिनेशन बताऊँ, सार्क की स्पेलिंग है SARC, इसका ये स्पेलिंग है लेकिन इसकी फुल डेफिनेशन क्या है आपको मैं अभी बता रहा हूँ। सार्क का फुल डेफिनेशन है पहले तो साउथ, एस से साउथ से ना, उसके बाद डबल ए बच जाता है तो एस एशिया और एसोसिएशन फॉर जो ना दूसरे ए से एसोसिएशन है और तीसरे आर जो है आर से ए वही रिलीजन जो ना आर से रिलीजन, उसके बाद कॉम्परेशन यहाँ पर सी से कॉम्परेशन, तो ये हो जाए सार्क सार्क का फुल डेफिनेशन। और कौन सी कंट्री है जो ना अफगानिस्तान की जो कंट्री है जो सार्क को जो बाद में ज्वाइन किया सार्क को, तो कब ज्वाइन किया मैं आपको बता रहा हूँ। अफगानिस्तान हैज बिकम मेंबर इन 2006, नाउ सार्क हैज 8 मेंबर्स। अफगानिस्तान ने 2006 में जो ना अफगानिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था, तो यहाँ पर भी कम वीडियो मिलेंगी इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ सार्क का। तो वैसे होती तो मैं नहीं बता रहा, मेरा तो टेक्निकल जो है, तो यहाँ पर ये कम वीडियो इसकी और मेरे जो सब्जेक्ट में भी आ गया तो इसलिए आपको जो बता रहा, मेरे को कुछ एक्सप्लेन आ रही। मेंबर ऑफ सार्क, इसके सार्क के मेंबर कौन कौन से आपको बता रहा हूँ, बांग्लादेश नंबर 1, भूटान नंबर 2, इंडिया भी है इसमें, ठीक ना, इंडिया भी, और लीडर आपको बताऊंगा इनका लीडर कौन है, इंडिया नंबर 3, मालदीव नंबर 4, नेपाल नंबर 5, पाकिस्तान नंबर 6, 7 नंबर पे है श्रीलंका और 8 नंबर पे है अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान 8 नंबर पे है क्योंकि उसने 2006 में जो है ज्वाइन किया था इसलिए जो है ना ये 8 नंबर पे है। उसके बाद जो है ना इसका जो लीडर है वो है चाइना, उसको जो है ना चाइना लीड करता है सारे सार्क को, सारे इदारे को चाइना लीड करता है। तो आगे चल क्या बता रहा हूँ, चाइना द बेस्ट कंट्री ऑफ एशिया इज गिविंग द स्टेटस ऑफ एन ऑब्जर्वर, इट विल हैव एन एडवाइजर रोल। तो ये चाइना को जो ना जैसे मैंने पहले बताया तो चाइना को जो ना हैंडल करता है, चाइना का लीडर है ये बता रहा है। सार्क का क्या चीज़ है, सार्क क्यों बना, इदारा क्यों बना, कौन सी चीज़ के लिए इदारा ये सार्क बना, तो ये आपको आगे चलकर बता रहा हूँ। द मेन एम ऑफ are to work for the economic growth of the member countries, to improve relationship among them, to promote trade among them, to improve standard of the people of the member countries। यहाँ पर ये आपको समझ आ गया कि इकोनॉमी को हम बनाना चाहते हैं, इकोनॉमी और जो इकोनॉमी को बनाना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं अपनी कंट्री को, रिलेशनशिप को प्रमोट करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड को प्रमोट करना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आप देखें, ये आपने देख लिया यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है, मैं आपको ये पढ़ के सुना लाऊँ। सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सार्क कंट्रीज एडेड इन दिस चार्ट, इसकी सार्क जो ना ये 8 कंट्री है, 8 कंट्री का आपको नाम बताऊंगा, नेशनल नाम बताऊंगा और इसकी करेंसी कौन सी है और इसका जो ना जबान कौन सी लैंग्वेज, ये सारे कुछ आपको मैं अभी बताऊंगा तो आपको रेडी होने जाएगा। पहले नंबर पर कंट्री कौन कौन सी है, अफगानिस्तान नेशनल नेम ऑफ एन फ्लैग, अफगानिस्तान का पहले आपको सारा कुछ बता रहा हूँ, अफगानिस्तान स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, कबूल, पश्तो एंड दारी, और इसको मैं बारी बारी से आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अफगानिस्तान की कंट्री अफगानिस्तान है और जिसका नेम नेशनल नेम एंड फ्लैग जो है ना इसका है नेशनल नेम स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, उसके अलावा यहाँ कैपिटल है कबूल, उसके अलावा यहाँ नेशनल लैंग्वेज है पश्तो एंड दारी, उसके अलावा इसकी करंसी है अफगानिस्तान की करंसी है बांग्लादेश, रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश का नेशनल नाम है, ऑफिशियल नेम है, और इसकी जो ना कैपिटल है ढाका, उसका कैपिटल है, उसके अलावा नेशनल लैंग्वेज इसकी बंगाला है, उसके अलावा इसकी करंसी टक्का है, टक्का 1 टक्का, 2 टक्का, ये
भूटान, अभी जो है ना भूटान नंबर थ्री पे, तो भूटान किंगडम ऑफ भूटान इसका ऑफिशियल नेम है, उसकी जो है ना कैपिटल है टिम्पू, उसका टिम्पू इसका ऑफिशियल नेम है जैसे कि आप देख रहे हैं। और उसका डजोंग खा का जो ना नेशनल लैंग्वेज डजोंग खा की जो ना है ना भूटान की लैंग्वेज, और की नर्म इसकी जो ना ये करेंसी है उसका नाम थोड़ा जो ना टिपिकली वो मेरे को नहीं समझ आ रहा। और उसके बाद इंडिया आता है नंबर फाइव के, नंबर फाइव पे इंडिया आता है, उसका नाम है इंडिया, उसकी नेशनल ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उसका कैपिटल है न्यू दिल्ली, उसकी लैंग्वेज है जो ना नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, उसकी रुपीज करेंसी है इंडियन रुपीज, सही है ना। उसके अलावा मालदीव रिपब्लिक ऑफ मालदीव इसका जो नाम है नेशनल ऑफिशियल नेम, माल इसका जो ना कैपिटल है, उसके देहवी इसकी जो नेशनल लैंग्वेज है, उसका नाम मालदीव रफिया इसका जो ना करेंसी है। उसके बाद नेपाल किंगडम ऑफ नेपाल इसका ऑफिशियल नेम है काठमांडू इसका कैपिटल है, और जो ना नेपाली इसकी लैंग्वेज है, उसके बाद नेपाली रुपी इसका जो ना करेंसी है। उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इसका जो ना ऑफिशियल नेम है इस्लामाबाद इसका जो ना, जैसे कि इस्लामाबाद हमारा जो ना यहाँ पर इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है। उसके बाद जो ना नेशनल लैंग्वेज हमारे सबको पता है उर्दू है। उसके बाद जो ना करेंसी हमारी पाकिस्तानी करेंसी है। और उसके बाद श्रीलंका आता है, श्रीलंका डेमोक्रेटिक साइंटिस्ट सोशल स्टेट और रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। और कोटा इसकी जो ना कोटा इसकी जो कोटा कोटा ही ना एक कोटा तो यहाँ पाकिस्तान में, और कोटा इसकी जो कैपिटल है, और श्रीलंका तमाली इसकी जो ना लैंग्वेज है, श्रीलंकी रुपीज इसकी जो ना करेंसी है। तो ये सारा चार्ट मैंने आपको पढ़ा के सुना दिया, आपके बाद जो ना आपको आगे चल के बता रहा हूँ इसकी में क्या है। तो हेड क्वार्टर मैं आपको बताऊँ इसमें क्या होता है, हेड क्वार्टर भारत का हेड क्वार्टर जिधर जो ना हो जाते हैं साल में एक बार तब आ जाते हैं, और वहाँ सारे डीलिंग करके आते हैं क्या करना चाहिए हमें, क्या फोकस किसके ऊपर करना चाहिए, कहना बाकी सारा उनके जो ना प्रेसिडेंट वगैरह आते हैं, पीएम आते हैं, और वहाँ पर वो जो ना सारा कुछ करते हैं। उसके बाद द हेड क्वार्टर ऑफ सार्क आर इन काठमांडू, जैसे कि नेपाल में बोला काठमांडू, नेपाल द हेड ऑफ द मेंबर कंट्रीज मीट वंस इन ईयर, एक मतलब साल में आते हैं जो ना ईयर में, मेनी ट्रेड कंट्रीज आर साइंड ड्यूरिंग ईच सीजन जो ना साइन करते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रेड साइन करते हैं। उसके बाद द मेंबर कंट्रीज बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, हर एक को फायदा होता है सबसे। सात कंट्री वन बांग्लादेश इसका जो ना आपको जैसे कि मैंने बताया बांग्लादेश का ये सारा कुछ क्लियर कर देता है कि बांग्लादेश इंडिया और इसकी जो ना सारी इंडिया की जो ना बांग्लादेश की आपको बताता है इस्लामिक है, और ये पहले तो ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो ये सारा कुछ आगे चलते ये सारा कुछ है। श्रीलंका अफगानिस्तान अब पाकिस्तान नंबर सिक्स पे है, पाकिस्तान का मैं आपको सुना के सुना दूँ, पाकिस्तान का है और इंडिया का, ये दोनों ऑप्शन और वीडियो करूँ ठीक है। तो और दूसरे तो आपको मैंने पहले बता दिया, नंबर थ्री पे है इंडिया, इट्स कैपिटल इज न्यू दिल्ली, हिंदी एंड इंग्लिश आर मेन इट्स मेन लैंग्वेज, इट हैज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, हिंदुइज्म इज द मेन रिलीजन। तो ये जो ना आबादी इसका जो ना कैपिटल है जो है ना वो न्यू दिल्ली है, और उसकी जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश इसकी लैंग्वेज है, और इसकी जो ना वर्ल्ड का सेकंड जो है इसका पॉपुलेशन रखा है, फर्स्ट में जो ना चाइना है और सेकंड ये है। उसके अलावा जो हिंदुइज्म ये जो हिंदू है, तो ये हिंदुइज्म इसका जो ना मतलब है पाकिस्तान। नंबर सिक्स पे पाकिस्तान है, जितने भी कंट्री हैं यहाँ पर जो ना दुनिया में मुस्लिम जितने भी कंट्री है सबका बाप पाकिस्तान है। नंबर सिक्स पाकिस्तान, इट्स द फर्स्ट इस्लामिक कंट्री विथ न्यूक्लियर पावर, जैसे इंडिया डरता है ज्यादा दीप में नहीं जाना चाहता। इट्स कैपिटल इज इस्लामाबाद, इट्स नेशनल लैंग्वेज इज उर्दू, द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड के टू इज इन पाकिस्तान, इसकी जो ना ये आपको सारा कुछ न्यूक्लियर पावर के साथ है जो ना फर्स्ट कंट्री, इसके बाद न्यूक्लियर पावर है इस्लामिक, और उसके बाद जो ना यहाँ पर इस्लामिक कंट्री सऊदी अरबिया आ जाती है, और जो ना इस्लामिक कंट्री इराक ईरान आ जाता है, और इस्लामिक कंट्री में जो ना तुर्की आ जाता है, तो ये सारे से आगे हमारे पाकिस्तान तीन। और जो ना सेकंड लार्जेस्ट पीक जो है ना यहाँ पर यानी कि सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन जो है ना यहाँ पर पीक यहाँ पर छोटी बोलो वो जो ना हमारे पाकिस्तान में। तो ये छोटी मोटी वीडियो होकर ना आपको पसंद होगी, अगर ज्यादा लंबी छोड़ लगी हो तो इसकी बात रहना और जिंदगी जीते रहना। ये सोशल स्टडी का बुक है जो ना मैंने आपको आज की वीडियो में बताया, जैसे मेरे जैसे आता था मैंने आपको बताया, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक करना, और मिलता हूँ इससे वीडियो में आगे, ऐसा टॉपिक नहीं आएगा आगे आएगा टेक्निकल वीडियो। जिंदाबाद इंशाल्लाह, पाकिस्तान पाइंदाबाद।